नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज हम बात करने वाले कि आप किस तरह से आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में पुश नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हो। तो देखिए, आपने ढेर सारी ऐसी न्यूज़ और बड़ी बड़ी वेबसाइट में देखा होगा कि आप जैसे ही वेबसाइट विजिट करते हो, आपको यहाँ पे टॉप या तो बॉटम में एक पॉपअप दिखा देगा और वहाँ पे लिखा है कि आप क्या इसे नोटिफिकेशन अलाउ करना चाहते या नहीं। तो इस तरह के नोटिफिकेशन आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट और ब्लॉग में कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री कि आप किस तरह से आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट और ब्लॉग में पुश नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हो। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैं एवरी वीक लाइव आता हूँ, यहाँ पे आप मुझे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे मैं दूसरी चैनल पे एवरी वीक लाइव आता हूँ, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं लाइव सेशन में तो यहाँ पे आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप आसानी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सभी अपडेट आपको मिलती रहे। और यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि किस तरह से बिल्कुल फ्री आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में पुश नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे वीडियो पूरा देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ पे हमारे साथ हमारे कंप्यूटर में और यहाँ पे हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि आप किस तरह से आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट और ब्लॉग में पुश नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की डैशबोर्ड में और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको एक प्लगइन ऐड करना है और यहाँ पे हम कम्प्लीटली आज की वीडियो में यूज़ करने वाला है वन सिग्नल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है प्लगइन और इसके बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन। जैसे वहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे आपको जस्ट सर्च बॉक्स में लिखना है वन सिग्नल। तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा प्लगइन, इस प्लगइन को आपको आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में इंस्टॉल करना है। तो देखिए, यहाँ पे प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इस प्लगइन को एक्टिव करना है। तो देखिए, यहाँ पे प्लगइन एक्टिव हो चुका है। जैसे आप प्लगइन एक्टिव करोगे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा वन सिग्नल पुश, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे आपका जो सेटअप है अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको सभी स्टेप एक एक करके सभी स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको सेटअप का एक ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले आपको ये ओवरव्यू रीड करना है। अगर आपको नहीं रीड करना है तो आप देखिए यहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको अगर क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स में ये ऑन सिग्नल का पुश नोटिफिकेशन ऐड करना है तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा इस वेबसाइट में। तो यहाँ पे मेरे पास सक्सेसफुली वेबसाइट ओपन है और यहाँ पे आप देख लीजिए url onesignal.com। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको लॉगिन बटन है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप किस तरह से यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं देखिए गूगल अकाउंट का यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली आपके अकाउंट में आप लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पे मैं मेरा गूगल अकाउंट चूज कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन ऐड करनी है, यानी कि एक ऐप ऐड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐड न्यू ऐप पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी जो एप्लीकेशन है इसका नाम यहाँ पे आपको रखना है। इसके बाद आपको क्रिएट पे बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे वहाँ पर क्लिक करो तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करना है। तो सबसे पहले आपको सोच करना है कि आप किस प्लेटफॉर्म में आपका जो पुश नोटिफिकेशन लगाना चाहते हो। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे एंड्रॉयड, विंडोज़, अमेजोन, इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट पुश, इसके बाद क्रोम ऐप। तो यहाँ पे हम स्पेशली बात करने वाले हैं वेबसाइट पुश के बारे में। तो यहाँ पे आपको सोच करना है वेबसाइट, इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको सोच करना है क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे वहाँ क्लिक करो तो यहाँ पे आपको देखिए आपकी वेबसाइट की यूआरएल यहाँ पे आपको देनी है कि आप किस वेबसाइट में जो पुश नोटिफिकेशन ऐड करना चाहते हो। तो देखिए, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में और यहाँ पे देखिए आपको आपकी यूआरएल कॉपी करनी है इस तरह से और यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। देखिए, यहाँ पे हमारी यूआरएल हो चुकी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट में बॉटम में जो आप आइकॉन ऐड करना चाहते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इस तरह का बेल आइकॉन, तो आपको आपकी वेबसाइट में एक आइकॉन अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप अलर्ट आइकॉन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपके आइकॉन की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, आपका आइकॉन कैसा होना चाहिए इसके बारे में। तो जस्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है आप यहाँ पे गूगल में और यहाँ पे आपको सर्च करना है। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है वन सिग्नल तो देखिए यहाँ पे जैसे आप गूगल सर्च करोगे गूगल में तो यहाँ पे आपको इस तरह का आइकॉन मिल जाएगा। इस आइकॉन को यहाँ पे आपको सेव करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसकी डायमेंशन यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपको आसानी से गूगल में मिल जाएगा। तो इसे यहाँ पे आप सबसे पहले आपके लोकल कंप्यूटर में सेव कर दीजिए। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव कर देता हूँ। इसके बाद आपको आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में यहाँ पे इसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं मीडिया में जाके एक मीडिया यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसके बाद जैसे आपका जो आइकॉन अपलोड हो जाता है, इसके बाद आपको यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो रियल यूआरएल है आपकी आइकॉन की वो आपको यहाँ से मिलेगी। तो इसे यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा। इसे कॉपी करने के बाद आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो भी यूआरएल बनती है इसे यहाँ पर आप इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको देखिए आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट जो HTTP यूज़ करती है, तो अगर इसे आपको चेक नहीं करना है, अगर यहाँ पे माई साइट इज़ नॉट फुल्ली HTTPS तो आपको इसे चेक करना है। लेकिन यहाँ पे हमारी वेबसाइट आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई है HTTPS की मदद से। तो इसके बाद आपको चेक बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आपका जो SDK यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमारा है वर्डप्रेस। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए इंस्टॉल SDK, तो आपको इस स्पेस को यहीं रहने देना और आपको जाना है आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में और वहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखा देगा, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहला है ऐप आईडी। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपकी वेबसाइट जो HTTPS यूज़ करती है तो आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऐप आईडी और रीसेट API की। इसके बाद आपको देखिए जाना है आपकी यहाँ पर जो ऑन सिग्नल वेबसाइट में और वहाँ पे आपको सबसे पहले ये API की को कॉपी करना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐप ID कॉपी करना है। तो यहाँ पे आप जानते थे यहाँ पे ऊपर नीचे है, सबसे पहले रिसेट API की, इसके बाद है ऐप ID। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऐड करना है ऐप ID। तो यहाँ पे हमने कॉपी की थी ऐप ID, इसके बाद यहाँ पे कॉपी करनी है आपको रिसेट की। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद ये जो सफारी ब्राउज़र आप यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए है, तो यहाँ पे हम सफारी ब्राउज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए आपका नोटिफिकेशन सेटिंग आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप क्या किस तरह से आपका जो आइकॉन ऐड करना चाहते हो, यानी कि पॉपअप, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दोनों को ऑन करना है। इसके बाद आपका नोटिफिकेशन टाइटल आप क्या करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि स्टे कनेक्टेड विथ अस, जैसा आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इसके बाद अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल की जो क्रोम एप्लीकेशन में आप ये नोटिफिकेशन ऐड करना चाहते हो तो इसे यहाँ पे आपको एनेबल करना है। और यहाँ पे आप देखिए आपको आप अपने वेबसाइट के बॉटम में इस तरह का आइकॉन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इसे एनेबल करना पड़ेगा। देखिए यूज़र अल्टरनेटिव फुल स्क्रीन, इसके बाद ऑटोमेटिकली प्रॉप, तो यहाँ पे हम सभी ऑप्शन को एनेबल कर देते हैं। इसके बाद आपको देखिए साइज वाइज अगर आप दो सभी सेटिंग आप एक एक करके देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो फाइनल हमारा स्टेप है वो है यहाँ पर हम इसे सेव कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं, एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस सेटिंग को एक बार चेक कर देते हैं और यहाँ पे हम दूसरी जो ब्राउज़र है इसमें यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस वेबसाइट की URL को कॉपी कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम दूसरा ब्राउज़र ओपन करके रखा है और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ URL। इसके बाद यहाँ पर हम इसे ओपन कर देते हैं वेबसाइट को और देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने वेबसाइट ओपन की, तो यहाँ पे आपको पुश नोटिफिकेशन दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए आप इसे इस वेबसाइट को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहाँ पे कोई भी यूज़र अलाउ बटन पे क्लिक करेगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको अलाउ बटन पे क्लिक करना है। तो जब भी मैं नया आर्टिकल पब्लिश करूँगा तो इस ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीवो आर्टिकल, यहाँ पर थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, तो यहाँ पर हमने सब्सक्राइब कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको आइकॉन दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब।
अगर यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ब्राउज़र की वजह से आपका पॉपअप टॉप में शो नहीं होता, तो कोई भी यूज़र यहाँ पे देखिए बेल आइकन पे क्लिक करके आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकता है। तो बस यही एक सिंपल मेथड है, इसकी वजह से यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट में पुश नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं फाइनली आशा रखता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में पुश नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हो, और इसकी मदद से यहाँ पे अपनी ट्रैफिक डबल कर सकते हो, और यहाँ पे अपनी ट्रैफिक डबल करने के बाद यहाँ पे आप अर्निंग भी डबल कर सकते हो। तो यह आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। तो देखिए यहाँ पर फाइनली मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो बहुत ही पसंद आए हो। अगर पसंद आ जाए और ऐसे ही वर्डप्रेस और वेबसाइट रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।